एक कहानी हेउची बहुत बड़ जंगल रो। सही जंगल रे बहुत सारा पक्षी रहुथिले, किंतु सही जंगल रे सबु पक्षी निज निज भितरे झगड़ा करुथिले। सही जंगल रे गोटिए मीनु चढ़ेई रहुथिला। मीनु चढ़ेई बहुत बुद्धिमान थिला। से केबे भी कौनसी पक्षी सह झगड़ा करुनथिला। आउ से सबु पक्षी मानंकु झगड़ा न करिबा पई बुझाउथिला, किंतु से माने मीनु चढ़ेई कथा शुणुनथिले आउ सबु बेले झगड़ा करुथिले। सही जंगल रे गोटिए कालु काउ रहुथिला। से बहुत चालाक थिला। से सबु बेले पक्षी मानंक भितरे झगड़ा लगाउथिला। आरे आजि त जमारु मजा आसुनी, जाउचि कोउ पक्षी मानंक भितरे झगड़ा करैबी। मते पक्षी मानंक भितरे झगड़ा करैबाकु बहुत मजा लागुचि। तापर कालु काउ सेठारु चली जाए। से जाउथिबा बेले देखे गोटिए सुआ आउ बुलबुल चढ़ई बसी कथा हेउछंती। से मानंक पाखकु जाए। आरे तमे माने मो कथा टिके सुनो, काली जेते बेले मु मीनु चढ़ई पाखकु गली, मीनु चढ़ई मते कहिला आम जंगल रे गोटिए बहुत बड़ बोका चढ़ई अछि, किंतु से कोनोसी पक्षीर ना कहिलानी। मते लागुची मीनु चढ़ई तम दुई जण भितरु काहाकु गोटे कहुथिला। आरे कालु भाई, मु त जमारु बोका नुह, मते लागुची से एही बुलबुल चढ़ई को ही कहुथिबो। ए बुलबुल हेउची बहुत बड़ बोका, मु त बहुत बुद्धिमान। ए सुआ, मु बोका नुह, तू हेउचु सबुटु बड़ बोका। से मीनु चढ़ई तत्ते बोका कहुथिबो। हाँ ना काउ भाई। आरे से सबु मु जानिनी, से तम भितरु काहाकु गोटिए बोका कहुची। हाँ से तो कथा कहुथियो बुलबुल, तू सबुटु बड़ बोका। ए सुआ, मु बोका नुह, तू बोका हेइथिबु, तो पूरा घर लोक बोका हेइथिबे। आउ काली तू जो मो घर को भोजी खाइबाकु आसीथांतु आउ आसिबोनी, मु तते डाकिनी। मोर भी तो घर को जिबाकु जम्मा भी इच्छा नाही, मु तो भोजी को अनेकि बसिनी, मते कोन खाइबाकु मिलुनी ना कोन, तो घर को जिबी मु। अरे बा, मु एमानक भितरे केते बढ़िया झगड़ा लगे देली, मते तो बहुत मजा लागुची। कालु काउ मने मने बहुत खुशी हुए। सुआ आउ बुलबुल निज निज भितरे खाली झगड़ा करुथांती। एबे तो पूरा जंगल रे खाली झगड़ा बढ़ी चलिथिला। सबु चढ़ई निज निज भितरे खाली झगड़ा करुथिले, किंतु मीनु चढ़ई जबारु बुझी पारु नथिला से केमिति ए झगड़ा सबु बंद करिवो। आरे ए सबु पक्षी निज निज भितरे केते झगड़ा करुछंती, मु तो जमारु बुझी पारुनी एमानको झगड़ा करिबाकु कोन खुशी लागुची। ना मते किछि ना किछि करिबाकु पड़िबो, नहने एमाने सबु बेले एमिति खाली झगड़ा करुथिबे। मु एमिति कोन करिबी जहा द्वारा एमाने निज निज भितरे झगड़ा बंद करिबे। तापरे मीनु चढ़ई सबु पक्षी मानंक पाखकु जाए आउ तांको कुहे तांको घरे आजि भोजी अछि, आउ समस्तंकु भोजी खाइबाकु तांको घरकु जिबाकु कुहे। किछि समय परे सबु पक्षी ता बसा पाखकु आसंती आउ कुहंती, आरे मीनु चढ़ई तू आम मानकु कोन पई एठाकु डाकिछु। आरे सुआ, तू चुप रह, मीनु चढ़ई आम मानकु किछि खास कथा कहिया पई एठाकु डाकिछि, तू काई कि मझिरे गहळी करुछु। ए बुलबुल, तू तो काम करे, मो कथारे तोर किछि मुंड पुरेबा दरकार नाही। आरे मु तम मानकु एठी झगड़ा करिया पई डाकिनी, तमे माने टिके चुप रह, मु तम मानकु मोर गोटिए कथा कहुछि। मु जेते बेले छोट थिली गोटे दिन मते बहुत जोर रे भूक लागुथिला, सेथि पई मु दाना खोजुथिली। मते गोटिए जागारे बहुत सारा दाना पड़िथिबार मिलला, मु सांगे सांगे से दाना को नेबाकु गली। सेतिकि बेले गोटिए पारा सेठाकु आसिला आउ मते कहिला,
आरे ए चढ़ेई तू एठाकु कौन पाई आसीचु ए सबु जाका दाना मोर ए दाना तोर नुह ए सबु दाना मु खाइबी ना ना प्रथमे मु एठाकु आसीचि सेथिपाई ए दाना सबु मोर तमे पारा भाई एठु पड़ाओ ए सबु दाना मोर मु कहिले ना ए दाना सबु मोर सेथिपाई मु याकु खाइबी तापरे आमे एमिति झगड़ा करूथिलु सेतिकी बेले गोटिए काऊ सेठाकु आसिला आउ कहिला आरे तमे माने कौन पाई लड़ुच मते भी तो टिके कुह आरे काऊ भाई मु प्रथमे दाना खोजी खोजी एठाकु आसिली मते प्रथमे ए सबु दाना पड़िथिबार मिलला तापरे ए पारा भाई एठाकु आसिले आउ कहिले ए दाना सबु मु खाइबी आउ तते टिके भी खाइबाकु देबिनी रुह मु गोटिए काम करूची मु तमकु अधा अधा दाना बांटिकी दौची तापरे से काऊ गोटिए निकिति नेकि आसिला आउ से निकितरे अधा अधा दाना रखिला अरे पट पट दाना बेसी हेगला ताहले मु एपटु किछि दाना खाई दौची तापरे दुई पट समान हेजिबो तापरे से एपटु किछि दाना खाई देला तापरे एपटु टिके दाना बेसी हेगला अरे एपटु भी दाना टिके बेसी हेगला ताहले मु एपटु किछि दाना खाई दौची तापरे दुई पट समान हेजिबो तापरे काऊ सेपटु भी किछि दाना खाई देला तापरे काऊ एमिति करी करी सबु दाना खाई देला अरे काऊ भाई तमे तो सबु दाना खाई देलो आमे एबे कोन खाइबु अरे मु तम पई अधा अधा दाना बांटुथिली किंतु से दाना तो अधा अधा हेउ नथिला सेथि पई मु सबु खाई देली एथिरे मोर कोन दोष तापरे से काऊ दाना खाई सेठारु पळेला देखिलाटी सांग माने से काऊ केमिति आम लढेइर फायदा उठेला आउ से आमर सबु दाना भी खाई देला देखिला सांग माने झगड़ा कले आमको किछि भी मिलिबनी झगड़ा कले तृतीय लोक तार फायदा उठेब सेथि पई आमको केबे भी झगड़ा करबा कथा नुह आमको सबु बेले समस्तक सह भलरे स्नेहरे रहिबा दरकार हाँ चढ़ई भौणी तमे ठीक कहिच आजिठु आमे केबे भी झगड़ा करिबुनी आजिठु आमे समस्ते मिलिमिशिके रहिबु सेही दिनठु समस्ते जंगलरे बहुत हस खुशीरे रहिले आउ केबे हेले भी झगड़ा कले नाही एही कहानीरु आमको एहा शिक्षा मिलला जे दुई जणक झगड़ारे तृतीय जणक लाभ उठै थाए आउ आमर क्षति होइ थाए दिने टुनी चढ़ई ता घर पाखरे देखिला गोटिए गछ उठिछि से मने मने भाबिला अरे ए गछ तो मु लगेनी ताहले ए गछ मो घर पाखरे किए लगेला हौ भल कथा गछटा बड़ हेले मु ता काठ को नै जाळ करबी एमिति कहि से ता घर को चली गला किछि दिन गला से देखिला से गछरे सबु प्रकारर फल हेछि से ताकु देखि बहुत आश्चर्य हेइ गला एहा केमिति का गछ एथिरे कोन सबु प्रकारर फल हेछि एहा केमिति संभव एमिति कहुथिला बेले तार सांग कुन्ना चढ़ई आउ मुन्ना चढ़ई ता पाखे आसी पहुँचिले आउ कहिले आरे टोनी भाई सबु भलटी हाँ भाई भल अछि आउ एते दिन परे मो कथा मन पड़िला तमर आरे भाई कौन करिबा कुह कामरु जमारु तो फुर्सत मिलनी हेटी काली तम भाउजर भौणीर बाहाघर जाइथली किणाकिणी करिबा पाई आउ भाउज केमिति अछंती मुन्ना भाई हो हो काई की पचारु छ ता कथा मते से जमारु बसे उठे दउनी खाली दिन राति कहूची चालो मार्केट जिबा एमिति कथा वार्ता हेउथिला बेले कुन्नार नजर सेही गछ उपरे पड़िला टोनी एहा केमिति का गछ एथिरे कोन सबु प्रकारर फल हेची तू ए गछ कोठु आनिलु अरे कुन्ना भाई मते तो बहुत आश्चर्य लागुची
ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ଗଛ ଲଗେଇବି? କେଜାଣି କିଏ ଏମିତି ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ମୋ ଘର ପାଖରେ। ଆରେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାରର କେମିକାଲ ଗଛ ମିଳୁଛି, କିଏ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଟୁନି ଚିନ୍ତା କଲା, ଯାଉଛି ସବୁ ଫଳ ତୋଳି ଆଣିବି, ନହେଲେ କିଏ ଚୋରେଇକି ନେଇଯିବ କାଳେ। ଟୁନି ଯାଇ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତିକି ଫଳ ତଳେ ପଡ଼ୁଥାଏ ସେ ସବୁ ସୁନାର ଫଳ ହେଇଯାଉଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଟୁନି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ କୁନା ଆଉ ମୁନାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେମାନେ ଏହା ଶୁଣି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ତା ସହ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଟୁନି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳ ତଳେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ସୁନାର ଫଳ ପାଲଟିଗଲା। ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ତଳେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ସୁନାର ଫଳ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଟୁନି ଆଜିଠୁ ତୋର ଦୁଃଖ ଦିନ ଗଲା, ଆଜିଠୁ ତୁ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଆସୁଛୁ। ଆରେ ତମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତମେମାନେ ବି ସୁନା ଫଳ ନିଅ ନା, ଖାଲି କ'ଣ ମୁଁ ଏସବୁ ରଖିବି? ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ତମେମାନେ ବି ଖୁସିରେ ରୁହ, ନିଅ ଆମେମାନେ ସବୁ ଅଧା ଅଧା କରି ନେବା। ଟୁନି ଭାଇ ତମେ କେତେ ଭଲ। ଏତିକି କହି ଟୁନି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସୁନା ଫଳ ଦେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ।